बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद तौफीक आपको लियाकत जिमनेज़ियम इस्लामाबाद से खुश आमदीद कहता है, जहां पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन 3 मैचेस की सीरीज़ का दूसरा मैच आज खेले जाने वाला है। ये देखिए पाकिस्तान का प्लेइंग लाइनअप, वलीद, फ़खर, अली, हैदर, मुराद, आफाक और हम्माद। ऑस्ट्रेलिया ये देखिए स्टार्टिंग में बटलर, सेनेका, ब्रेड, माइल्स, हैपनस्टॉल और ग्राहम। ये पहला सेट ऑस्ट्रेलिया का। ये फर्स्ट रेफरी सप्तान की विसल के मैच का आगाज किया जाए। पहली सेटिंग ही गलत साबित हुई। बैक रो अटैक और दूर से जाके बॉल रिट्रीव किया। नीम दिली से खेला हुआ शॉट जो बैक लाइन से बाहर। इस सीरीज को कफेट जो है उसको सील करे। उम्दा दिफा और ब्लॉक हुए मुराद खान। ऑपोजिट हैं 24 साल पाकिस्तान वापडा। और ये टच बॉल खिलाना चाहते थे मगर बड़ी होशियारी से पाकिस्तानी ब्लॉकर्स ने हाथों को हटाया और बहुत उम्दा डायगनल स्मैश। खुशकिस्मती बॉल प्लेस करने की कोशिश, बॉल क्रॉस होगी, ड्रॉप खेलने की कोशिश और टच होती बाहर गई बॉल। स्कोर जुड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए 5-6 ऑस्ट्रेलिया की सर्विस। बैक रो अटैक और नेट से टच करता हुआ बाहर गया। फ्लैट सर्विस, बहुत उम्दा डबल ब्लॉक। मुराद आज उस तरह फायर नहीं कर रहे ऑल सिलेंडर्स पर जिस तरह कल। जंप सर्विस रिसेप्शन फखर की जानिब से गलत हुई और इसको कवर अप किया गया स्लो प्लेस और यहां पर ऑस्ट्रेलियन टीम कवर अप करने में नाकाम रही और पॉइंट मिला है पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम को। ऑस्ट्रेलिया के लिए 9-10 के स्कोर पर। लॉब सर्व, बहुत उम्दा ब्लॉक। दोनों टीमें मोहतात अंदाज इख्तियार किए हुए हैं। बहुत अच्छी सर्विस और उतनी उम्दा रिसेप्शन, बहुत उम्दा। जितनी तारीफ की जाए आखिरी लम्हात में क्लाइयों को मोड़ते हुए ब्लॉकर से बचाते हुए खेले हैं और क्या खूब खेले हैं। 18 साल सबसे जूनियर मोस्ट खिलाड़ी हैं इस टीम। बहुत अच्छी सर्विस, उम्दा दिफा, डाइविंग सेव की कोशिश मगर पॉइंट जुड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के अकाउंट में। ग्राहम की सर्विस, ब्रेक रो अटैक शानदार। पहला निशाना हदब पे लगा मुराद खान का। सर्विस, बॉल सेट हुआ है, बहुत जबरदस्त स्पाइक ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी की जानिब से। रिसेप्शन दुरुस्त नहीं थी, बॉल क्रॉस होगी और पाकिस्तान को चांस मिलेगा। थोड़ा सा सेल्फिश हुए और स्पाइक उनका बैक लाइन से बाहर। स्लो प्लेसमेंट चांस है यहां पर ऑस्ट्रेलियन टीम के पास। बॉल सेट हुआ है बैक साइड पर, स्पाइक, ब्लॉक, अगेन चांस है ऑस्ट्रेलिया के पास और बहुत ही बेहतरीन स्पाइक और पॉइंट मिला यहां पर ऑस्ट्रेलियन टीम को। 22-19 22-19 का मुकाबला। 204 सेंटीमीटर हाइट है, बहुत अच्छी सर्विस लिब्रो ने भी उम्दगी से ली। बहुत उम्दा क्रॉस कोर्ट शॉट, बहुत शानदार शॉट 9 नंबर में फखरुद्दीन का। सर्विस रिसेप्शन दुरुस्त नहीं थी, बैक रो अटैक और बहुत उम्दा 19 नंबर में
बॉल खराब हो चुकी थी, फिर लिब्रो ने पाकिस्तान के लिए अच्छी एफर्ट की और बहुत उम्दा फखर, बहुत उम्दा, बॉल खराब हो गया था मगर फखर ने बहुत अच्छा खेला। ये ऑस्ट्रेलियन लिब्रो को आपने देखा, सर्विस, रिसेप्शन, सेटिंग और बॉल कोर्ट से बाहर। स्टन ऑस्ट्रेलियन और पाकिस्तान ने 26-24 से पहला सेट जीत लिया। पहला सेट पाकिस्तान 26-24 से जीत चुका। लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 21 नंबर की शर्ट में निकोलस बटलर की सर्विस, बहुत उम्दा। पहला सेट जो बड़ा क्लोज था पाकिस्तान जीता है। एक बार फिर लियाकत जिमनेजियम पाकिस्तान वॉलीबॉल के लिए। अच्छा डायगनल टच बॉल खिलवाया ऑस्ट्रेलिया ने और एक एक से पाकिस्तान के एक्स स्टार्स वॉलीबॉल के। बहुत उम्दा क्विक एक्शन अटैक, पाकिस्तान 3-2 की बढ़तरी लिए हुए। विलियम माइल्स की सर्विस, अच्छी सर्विस, चांस मिलेगा ऑस्ट्रेलिया को, फिर चांस मिलेगा। बहुत उम्दा डबल ब्लॉक को पेनिट्रेट किया ऑस्ट्रेलियन स्पाइकर ने। क्विक एक्शन अटैक, पाकिस्तान टीम ज्यादा जल होकर खेल रही है, जिनको अभी आपने स्क्रीन पर देखा। सर्विस मुराद की और लिब्रो ने हाथ खींच लिया बाहर जाता देखकर उसको। जंप सर्विस, रिसेप्शन नासिर की जानिब से। वलीद ने बॉल को सेट किया है, बहुत जबरदस्त सेटिंग, उतनी ही बेहतरीन स्पाइक फखर बट्टू की जानिब से। डिस्ट्रिक्ट गुकारा से इनका ताल्लुक है और पाकिस्तान आर्मी टीम के कप्तान हैं, वो जूनियर टीम में हैं। और एक दफा फिर बेहतरीन सर्विस और सेकंड कंसेक्यूटिव सर्विस पॉइंट वलीद की जानिब से, क्या बात है। बॉल क्रॉस हुई, चांस मिलेगा ऑस्ट्रेलिया को, कितना फायदा उठा सकते हैं। और जी हां, दोनों ब्लॉकर्स को पेनिट्रेट किया थॉमस एपनस्टॉल ने। बहुत उम्दा अफाक खान आउटसाइड हिटर। हम गुज़श्ता मैचेस में कि ये मैच जीतकर अपनी उम्मीद इस सीरीज में बरकरार रखे। बहुत उम्दा स्पाइक और उतने ही अच्छा दिफा दूसरे एंगल से, और दो ब्लॉकर्स को पेनिट्रेट किया। अमल खान थॉमस एपनस्टॉल की सर्विस, चांस मिलेगा। बॉल प्लेस किया और बहुत उम्दा डाइविंग से पाकिस्तानी लिब्रो का। एक बार फिर चांस मिलेगा ऑस्ट्रेलिया को। अमल खान ने कहा आपसे काम नहीं हो रहा तो मैं कोशिश करता हूं। बॉल क्रॉस हुई और अमल खान कहते हैं 100 सुनार की और एक लोहार की तसव्वुर। पावरफुल सर्विस, रिसेप्शन अफाक की जानिब से। काशिफ ने बॉल को सेट किया है, अमल खान दिस टाइम वेरी वंडरफुल ब्लॉक, बहुत जबरदस्त ब्लॉक ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। सर्विस, रिसेप्शन लिब्रो की, सेटिंग, बैक रो अटैक और जबरदस्त डबल ब्लॉक 14 नंबर पाकिस्तान के और अब्दुल जहीर हैं ये। सर्विस, रिसेप्शन, दोसांझ ने बॉल को सेट किया है, वंडरफुल ब्लॉक अगेन, एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन बिटवीन जहीर एंड मुराद खान। और ये रिमाउंड था लेकिन फायदा नहीं उठाया जा सका और बॉल कोर्ट लाइन से बाहर और यू पॉइंट मिलेगा पाकिस्तान को, 21-17 का पॉइंट। और ये देखें बहुत ही कमाल का डिफेंस नासिर की जानिब से। एक दफा फिर मुराद, वंडरफुल स्पाइक मुराद की जानिब से, ब्लॉक आउट लेने में कामयाब रहे और स्पाइक के पीछे क्रेडिट जाता है यहां पर नासिर को। सर्विस करने के लिए तैयार हैं, सर्विस रिसेप्शन फखर की जानिब से। वलीद ने बॉल को सेट किया है, स्लो क्रॉस और पॉइंट मिला पाकिस्तान को और इसके साथ ही पाकिस्तान ने दूसरा सेट अपने नाम कर लिया। सेकंड कंसेक्यूटिव सेट पाकिस्तान ने अपने नाम किया और ये आप देख सकते हैं कोचिज।
ये अब तक बेस्ट ऑफ फाइव मैच के दो सेट्स दोनों में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, 26-24 और 25-19। हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद। एक दूसरे को देखते रहे, चांस मिलेगा ऑस्ट्रेलिया को, बैक रो अटैक, अच्छा ब्लॉक हुआ, चांस फिर पाकिस्तान के पास और फिर एमल खान ने बॉल ड्रॉप करने की कोशिश की, बॉल क्रॉस हुई पाकिस्तान के लिए, चांस है एमल खान, और एमल खान को अगर दूसरी बार आप चांस देंगे तो ही विल गो फॉर अ किल। अगेन चांस है यहां पर ऑस्ट्रेलिया के पास, बॉल सेट हुआ, पावरफुल स्पाइक, एक बहुत बेहतरीन रैली के बाद एक पावरफुल स्पाइक देखने को मिली और पॉइंट मिला है यहां पर ऑस्ट्रेलिया टीम को। सेंस ऑफ कमिटमेंट इस बार बिल्कुल मुंह फेर लिया था एमल खान ने, बॉल उनकी गर्दन पे लगी, हैदर अली की सर्विस, रिसेप्शन सेटिंग, कमजोर स्मैश, चांस मिलेगा और देखते रह गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। आफाक खान, स्पाइक सर्व, रिसेप्शन सेटिंग, अच्छा फ्री नेट मिला था 8 नंबर की शर्ट में ट्रेंट ओडोयो को, लॉब, बैक रो अटैक और एमल खान ब्लॉक हुए, ट्रेंट ओडोयो की सर्विस, और फखर को अगर आप ऐसा लॉलीपॉप देंगे तो फिर वो जमीन में गाड़ देंगे। बॉल सेट हुआ, पावरफुल स्पाइक ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, 10-9 पॉइंट्स, 8.1 पॉइंट की बढ़तरी इस वक्त है, क्लस्टर में आसान से गिफ्ट कर देती है, ये देखें कितनी पावरफुल स्पाइक थी, और ये जवाबी हमला आफाक का, अगर आप इतनी अच्छी सर्विस करेंगे तो फिर हम इतनी अच्छी स्पाइक खेलेंगे। सर्विस, रिसेप्शन, बॉल सेट हुआ है, बैक पे बॉल खिलाया और बेहतरीन स्पाइक में कन्वर्ट किया यहां पर थॉमस ने, ये देखें इस सर्विस की मैं बात कर रहा हूं, डायरेक्ट सर्विस पॉइंट आफाक की जानिब से, 16 नंबर जर्सी, यंग टैलेंट, पाकिस्तान एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा सेव लिब्रो का, नेट को टकरा गए पाकिस्तानी खिलाड़ी और फर्स्ट रेफरी सप्तैन ने कहा कि पॉइंट मिलेगा ऑस्ट्रेलिया को। उम्दा दिफा, अच्छी रैली, एमल खान, कहता हूं कि डायगनल शॉट अगर वो खेलें और बाहर चली जाए तो ये बहुत रेयर शॉट आता है ईरान के 5.5 फीट के साथ। सर्विस, बॉल क्रॉस हुई और बॉल खराब हो गई, चांस था, जाया किया, मैं जैसे बार बार बता रहा हूं आप देखिए लीड ऑस्ट्रेलिया की है। एमल खान और तीसरी कोशिश में कामयाब हुए। जी बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त स्पाइक यहां पर देखने को मिली हमें एमल खान की जानिब से, बॉल सेट हुआ, एक्सीलेंट ब्लॉकर मौजूद थे यहां पर, बहुत ही जबरदस्त प्लेसमेंट पुश किया एमल खान ने। सर्विस, रिसेप्शन सेटिंग, बहुत अच्छा, ये कहना पड़ेगा जब उन्होंने जंप लिया सैम ने, तो जैकब बर्ड, ओ जमीन में गाड़ दिया हम्माद, पाकिस्तान के मिडल ब्लॉकर मोहम्मद हम्माद, मे बी इट्स टू लेट फॉर ऑस्ट्रेलिया, ओ मैच पॉइंट पाकिस्तान के लिए, सीरीज पॉइंट, और कल बहुत बड़ी हेडलाइन लगेगी अखबार में। बॉल को प्लेस और फिर अभी तक डाउन बट नॉट आउट, सप्तान की विसल, उम्दा सर्विस, चांस है, बहुत उम्दा, आफाक का शॉट, पाकिस्तान 25-23 से तीसरा सेट, ये मैच और सीरीज जीत गया।
और ज़बरदस्त मैच देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया ने मुज़ाहमत ज़रूर की, पहले सेट में एक मौके पे विनिंग पोजीशन पर भी आए, मगर फिर जब उसको कन्वर्ट नहीं कर सके तो फिर उनके हेड्स डाउन हुए। और ये है पाकिस्तानी कोच, ये है तायराना मंजर लियाकत जिमनेजियम का, और ये मैच समरी, पाकिस्तान बीट ऑस्ट्रेलिया 3-0। फर्स्ट सेट 26-24, सेकंड सेट 25-19, थर्ड सेट 25-23। अब हेडलाइन बननी चाहिए। मेरे दोस्त कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान ये मैच क्रिकेट में जीतता ऑस्ट्रेलिया से तो पाकिस्तान में धूम मच जाती। मेरे ख्याल में ये हमारे जो खिलाड़ी हैं, दे हैव मेड अस प्राउड, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज है।